कोई नहीं जानता आने वाला समय कैसा होगा। हम खुद उस घटना को बतौर एक दर्शक देखते हुए महसूस करते हैं, खुद को बंधा और मजबूर पाते हैं, लेकिन हार नहीं मानना ही शायद मानव जाति को अपने समय के अन्य जीवों से अलग करता है और इस ब्रह्मांड का शानदार जीव बनाता है। चीन के वुहान शहर से निकले इस अनजान खतरे ने एक जानलेवा महामारी का रूप धारण कर लिया है। इस महामारी का जनक है ये वायरस, जिसे कोरोना नाम दिया गया है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया भर के देशों में कहर बरपा रखा है। इसके कारण लाखों लोग मौत का शिकार हुए और कई लाख संक्रमित हैं। लिहाजा WHO ने कोरोना वायरस से हो रही बीमारी COVID-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके वे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है उनके लिए तो विशेष चिंता का विषय है। कमोबेश ऐसे ही हालात बिहार राज्य के साथ भी हैं। इस संक्रामक बीमारी COVID-19 ने सबके मन में डर का माहौल बना दिया है। ऐसे समय में अपनी स्थापना के सिद्धांत को चरितार्थ करता, खुद की सीमाओं को तोड़ता, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, जिसे सभी एम्स पटना के नाम से जानते हैं। कोविड को महज एक महामारी ही नहीं कह सकते, इसने तो पूरी व्यवस्था को बदल डाला, पूरी दुनिया ही बदल गई। चूंकि ना तो इसके बारे में ठीक ठाक कुछ भी कहा जा सकता था, अतः इससे लड़ने के लिए नए सिरे से नई व्यवस्था को बनाना पड़ा। जब हमें मालूम पड़ा कि हमें कोरोना के लिए हॉस्पिटल को तैयार करना है, उस समय तक सिचुएशन इस तरह से थी कि बहुत ज़्यादा कोरोना की बीमारी के बारे में मालूम नहीं था और जो कुछ भी मालूम था बहुत एविडेंस बेस्ड नहीं था। शुरू शुरू में हमारा अस्पताल जो है दोनों ही पेशेंट्स के लिए, चाहे वो कोरोना के हों या नॉन कोरोना के हों, उसके लिए हमने तैयार किया था। इमरजेंसी सर्विसेज भी शुरू हुई, सबसे पहले OPD सर्विसेज को बंद कर दिया गया, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज हम लोग उस समय तक चालू रखे हुए थे। एक एरिया तलाशा गया कि किस एरिया को हम जो है कोविड हॉस्पिटल बना सकते हैं, पेशेंट का मूवमेंट कैसे होना है, कहाँ से जाएगा, किधर से निकलेगा, मरीजों के जो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो किस एरिया से जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो इसके लिए सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए। मरीज का टेस्टिंग का, तो वो कहाँ होगी, मरीज कहाँ रिपोर्ट करेगा, उसके बाद उसका एडमिशन कैसे होगा, उसके बाद उसका इलाज का तरीका क्या होगा, डिस्चार्ज कैसे करेंगे, उसके खाने पीने की यहाँ पर क्या व्यवस्था होगी, मरीज के रिश्तेदार आएंगे तो उनको कहाँ तक अलाउड है, कहाँ तक नहीं अलाउड है घुसना, फिर उनके मरीजों को किस तरह से हम उन मरीज के बारे में बताएंगे उनके रिश्तेदारों को, एंड इस तरह से एक पूरा का पूरा एक समुचित व्यवस्था बनाई गई। एम्स पटना में पहले की ही तरह सभी रोगियों का इलाज हो रहा था। चूंकि कोविड एक संक्रामक बीमारी है, इसमें हमारे सारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी रिस्क पे थे, पेशेंट के जो अटेंडेंट आते हैं वो भी रिस्क पे थे, तो इसलिए हमें सेग्रीगेटेड प्लेस चाहिए था कि जहाँ पे लोग अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE पहन के ही लोग जा सकें। तो इसलिए हमने पहले जो हमारे अस्पताल के 4 ब्लॉक हैं उसमें से पहले D ब्लॉक और C ब्लॉक का 2 फ्लोर हमने चूज़ किया, जिसको हमने डेडिकेटेड कोरोना स्पेस बनाया। इसलिए एम्स पटना ने धीरे धीरे आम रोगियों को लेना बंद करके कोविड के रोगियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। इससे आम रोगियों की रक्षा की जा सकी। शुरुआती चरण में अस्पताल के कुछ ब्लॉक्स को इस काम के लिए चिन्हित किया गया। इस बीमारी को रोकने के लिए एम्स पटना ने Day 1 से, जब से बीमारी बिहार में आई तब से शुरुआत कर दिया था, और एम्स पटना ने जो कार्य किया उसमें सबसे पहला काम जो हमने मरीजों की सुविधा के साथ साथ जिस पर कोशिश किया कि हमारे जो हेल्थ के कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके लिए हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का प्रोग्राम जारी रखा, जिसमें हमने किसी भी स्वास्थ्यकर्मी कोई भी पॉजिटिव मरीज के साथ संपर्क में आता था और अगर वो उस समय प्रोटेक्टेड नहीं होता था तो हम उसको 2 कैटेगरी में बांटते थे, एक लो रिस्क और हाई रिस्क, जिसका एक प्रोफार्मा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत अगर हाई रिस्क मरीज होता, हाई रिस्क हमारा हेल्थ वर्कर होता था, तो हम उसको 5 दिन बाद, उसके कॉन्टैक्ट के 5 दिन बाद उसकी जाँच कराते थे, और जाँच पॉजिटिव आने पर उसका इलाज होता था, अगर निगेटिव आता था तो वो दोबारा काम आ जाता था।
अस्पताल सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसके लिए अस्पताल के अंदर और अस्पताल के बाहर समुचित प्रबंधन की जरूरत आन पड़ी। ये प्रबंधन कैसे किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बड़े ही रचनात्मक ढंग से इसे हल किया गया। पूरे विश्व में ये पैंडेमिक है और जो हम लड़ रहे हैं कोरोना के विरुद्ध, उसमें डेटा का बड़ा महत्व है कि किस क्षेत्र से कितने मरीज आ रहे हैं, कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा संक्रमित होते हैं, कोई अगर प्री एग्जिस्टिंग पहले से किसी को तकलीफ है, कोई बीमारी है, उनका कैसा बर्ताव रहता है। तो ये सारा डाटा कोलेशन जो है एक चुनौती थी, और इस डाटा कोलेशन को हमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर भी करना था, साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी शेयर करना था, तो इसके आधार पर योजनाएं बननी थी। कोविड के रोगियों का इलाज शुरू किया गया। बेहतरीन चिकित्सा और रोगियों के समुचित देखभाल की कोशिशों ने लोगों में एम्स पटना के प्रति विश्वास जगाया। लोग कोविड के इलाज के लिए एम्स पटना आने लगे, और देखते ही देखते बिहार सरकार द्वारा एम्स पटना डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में बदल दिया गया। जब सैंपल्स जांच की प्रक्रिया में होते हैं तो रोगी को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। अगर प्रारंभिक अवस्था में लक्षण साधारण से हों और ये पाया जाए कि रोगी को अस्पताल की जरूरत कम है, तो उसे दवाई और उचित सलाह देकर घर पर ही क्वारंटीन रहने को कहा जाता है। लेकिन अगर लक्षण गंभीरता को दिखा रहे हों, तो अस्पताल की जरूरत रोगी को ज्यादा होती है और वो अस्पताल की देखरेख में चला जाता है। ऐसा करने से सिर्फ जरूरतमंद रोगी को समुचित इलाज मिल पाता है और अस्पताल पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ता। कोविड वार्ड के एरियाज में समुचित सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा गया। हर एक व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी काम करता हो, कोविड एरिया में बिना पीपीई के प्रवेश नहीं कर सकता। Here we have donning area for male faculty and female faculty. We both are in charge for this area. PPE को पहनने और उपयोग के बाद PPE को रखने के अलग अलग एरियाज बनाए गए, जिसे हम डॉनिंग और डॉफिंग एरिया कहते हैं। कोविड 19 की बीमारी के इलाज के दौरान एम्स पटना में सभी वार्ड्स को एक साथ ला दिया गया, ताकि अधिक से अधिक मरीजों को भर्ती किया जा सके और उनका इलाज किया जा सके। एम्स के ही कोरोना वायरस वार्ड में D1 A D1 B में है। यहाँ पे ज्यादातर मरीज क्रिटिकल कंडीशन में आए थे, इलाज के बाद वो काफी स्टेबल स्थिर हो गए हैं, सांस की प्रॉब्लम इनकी कम हो गई है। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोविड सांस लेने की प्रक्रिया पर सीधे हमला करती है। हमें ये देखना है कि मरीज के ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होना चाहिए। कुछ जो दवाइयां हैं, जैसे डेक्सामेथासोन, डिक्सोना, कुछ ब्लड को पतली करने वाली दवाइयां, फ्लेक्सिपेरीन, वो हमें देखना पड़ता है किस पेशेंट को कब क्या जरूरत है। श्वसन चिकित्सा या पल्मोनरी मेडिसिन की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इसमें प्रायः ऐसे रोगियों की चिकित्सा करनी होती है जिनको जीवन रक्षक यानी लाइफ सपोर्टिंग और यांत्रिक श्वसन की आवश्यकता होती है। ऑल द पेशेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट एंड इवन पेशेंट विद अ सीवियर हु इज नॉट रिक्वायर वेरी हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वी जनरली शिफ्ट द पेशेंट्स टू डिफरेंट वार्ड। वी आर गिविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट अलोंग विद द ऑक्सीजन। हमारे मरीजों को एम्स पटना में मैक्सिमम सुविधाएं मिल रही हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई एम्स पटना को। पहले तो ऑक्सीजन नहीं चला था आपको? नहीं, अभी तो रूम एयर पे सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है आपका। ठीक है, सही हो रही है। ठीक है, सही है। अभी इनको तो कल आरटीपीसीआर जो है ये आया है, उसके हिसाब से इनका रूम एयर पे हो गया, तो डिस्चार्ज के लिए प्लान कर सकते हैं। इस वार्ड में मरीजों के लिए कमरे हैं, लेकिन वीकनेस इधर एक से दोनों से देखने पर कुछ थकान टाइप का है, ऐसे पल्स जब भी चेक होता है। ये रोगी आईसीयू के हैं, कोरोना ने इनको जकड़ रखा है। मरीजों की कुछ जांच जैसे एक्सरे आदि मोबाइल मशीन के द्वारा की जाने लगी, ताकि जल्द से जल्द उनकी हालत को समझा जा सके और उसके अनुसार उनके इलाज की व्यवस्था की जा सके। जब
इंटूबेशन पे कितना दिन हो गया, इंटूबेशन क्यों पहले हुए, कितना दिन है नॉर्मल में, देखो इधर था इंटूबेटेड कितना दिन हुआ पेशेंट का, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटूबेशन डे, डे भी इंटूबेटेड है। और पोलिस कब लगा पेशेंट का, पोलिस कब लगा, चेस्ट एक्सरे आ गया पेशेंट का, चेस्ट एक्सरे आ गया पेशेंट का, फिर फिल्म नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या देगा। Helmet interface is recommended in COVID for a variety of reasons. One, it prevents the aerosol generation, and secondly, it also helps in development of a certain amount of PEEP. AIIMS Patna is fortunate to have one of these interfaces. लोग यहाँ पर medicine ICU में काफी severe मरीजों को लेते हैं COVID-19 के, जिनकी oxygen requirement more than 5 liter होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कई सारे से मरीज़ हैं जिनको हम प्रोनिंग पोजीशन देते हैं, जिससे उनके ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, उनको सांस लेने में काफ़ी सुविधा होती है। आपका तबीयत कैसा है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दम फूलने में रहा है जी, दम लेना फूल रहा है ना, दम लेने में कोई बैठे बैठे कुछ दम नहीं है। खाना खाए हैं? खाना खाए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के वक्त सांस नहीं फूल रहा था ना? ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इधर ये सारे काम हो रहे थे और उधर कोविड के मरीजों का आना जारी। मरीज और उनके परिजनों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए AIIMS पटना में समुचित व्यवस्था की गई। इसके लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। आने जाने को लेकर विशेष दिशा निर्देश ICMR गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए। सभी के लिए PPE किट को पहनकर ही कोविड एरिया में जाना अनिवार्य कर दिया गया। हमारी चार फैकल्टीज़ की एक टीम है। हमारा मुख्य काम होता है वार्ड से इंफॉर्मेशन लेना और पेशेंट या उनके जो अटेंडेंट हैं उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जिस तरह के सवाल मरीज या मरीज के अटेंडेंट हमसे पूछ रहे हैं, उससे हम एक डेटा तैयार करते हैं। एक सॉफ्टवेयर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं या डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि SMS के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है, सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो पेशेंट की फैमिली मेंबर्स हैं, वहां तक पहुंच सके। कोविड के जो रोगी वार्ड में भर्ती होते, उनकी जानकारी नियत समय पर वार्ड से जमा कर हेल्प डेस्क द्वारा रोगी के परिजन को दी जाती है। ठीक इसी तरह जरूरत के सामान जैसे दवाई, प्लाज्मा, कपड़े आदि रिसेप्शन डेस्क के माध्यम से रोगियों तक पहुंचे और वार्ड के माध्यम से जानकारी रिसेप्शन डेस्क तक और वहां से रोगी के परिजनों को फोन के माध्यम से जानकारी दी जाती। इससे काफी हद तक इस बीमारी के प्रसार को अस्पताल के अंदर और बाहर होने से रोका गया। We have two tables here. At one table we receive all the goods, drugs, plasma, bag, etc., clothes and food items, and that is being transported through our dedicated team of technicians and HA, hospital attendants, to the patient area. मरीजों के AIIMS पटना में आने पर पहले उनकी कोविड जांच की जाती। इसके लिए डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद रहती। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही गले और नाक के द्वारा स्वैब के नमूने जमा किए जाते। इस पूरी प्रक्रिया में ICMR की गाइडलाइंस और अस्पताल द्वारा जारी SOPs का कड़ाई से पालन किया जाता। हमारे यहाँ RT-PCR की सुविधा काफ़ी पहले शुरू हो गई थी, तो सैम्पलिंग को
स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी था और उस एवज में दो डिपार्टमेंट्स डेंटिस्ट्री और ईएनटी दोनों काफ़ी पहले से एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए जिस क्वालिटी से हम या जिस तकनीक से हम ले रहे हैं सैंपल वो हमारा बहुत पहले से ही काफ़ी अच्छा रहा है। सैम्पलिंग विल बी डन both areas, nasopharyngeal and oropharyngeal swabs will be taken and that will be transported to the microbiology department. सैंपल के जमा करने से उसके लैब तक पहुंचने की प्रक्रिया भी बड़ी सावधानी से पूरी की जाती, अगर जरा सी भी चूक हुई तो हादसा हो सकता है। सैंपल के एक बार जमा हो जाने पर उसकी जानकारी संबंधित फॉर्म पर लिख दी जाती और उसे सैंपलिंग कलेक्शन एरिया से निकालकर COVID-19 डायग्नोस्टिक लैब की ओर रवाना कर दिया जाता। यह सैंपल जब लैब पहुंचता तो वहां इसे जमा लेने के लिए एक अलग प्रक्रिया होती। लाया गया सैंपल प्रतिबंधित क्षेत्र के पास लगे बैरिकेड पर रख दिया जाता, फिर इसे लैब के कर्मचारी सैनिटाइज करते। एक व्यक्ति उस सैंपल को लेकर जाता तो दूसरा संबंधित फॉर्म को। इस तरह सैंपल टेस्ट लैब तक पहुंचता। ये पूरी प्रक्रिया बेहद सावधानी से पूरी की जाती है। ये है एम्स पटना की COVID-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट लेबोरेटरी जो 24 घंटे काम करती है। यहाँ सैंपल बिहार राज्य के अन्य जिलों से साथ ही साथ एम्स पटना के खुद के और अन्य प्रमुख संस्थानों से आते हैं। एम्स पटना में जो सैंपल जांच होता है इस लेबोरेटरी में वो रियल टाइम PCR बेस्ड टेस्ट होता है। वायरस मरने के बाद उसका खतरा बाकी इंसानों को जो टेस्ट कर रहे हैं वो घट जाता है। ये जो लेबोरेटरी जिसके अंदर किया जाता है उसको एक BSL-2 लेबोरेटरी कहा जाता है। बायोसेफ्टी लेवल 2 में इसका PCR जांच करने के लिए ICMR ने रेकमेंड किया है। वी कैटर टू 5 डिस्ट्रिक्ट्स, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार और ये लैब 24 घंटे चल रहे। यहाँ सेंट्रल लैब बायोकेमिस्ट्री रात दिन काम कर रही। The tests which are being suggested by the clinicians are being added on a regular basis. Presently we are catering to the IPD patients, that is the Indo patients who are being admitted for COVID-19 infection. भर्ती किए गए मरीजों के सभी नमूनों की जांच यहां पर हो रही। कोरोना के टाइम पे हमने कुछ और नए टेस्ट ऐड किए हैं। यहां पे जो मरीज के सैंपल्स आते हैं उनको कोरोना के पैंडेमिक के टाइम पे हैंडल करने को लेके उनके मन में थोड़ी शंकाएं थी, थोड़ी घबराहट थी, लेकिन धीरे धीरे प्रिकॉशंस लेते हुए इन लोगों ने उस सबको हैंडल किया। कोविड को ध्यान में रखते हुए यहाँ सिर्फ कोविड संबंधी टेस्ट को ही करने का निर्णय किया गया है। बेहतरीन आधुनिक और स्वचालित मशीनों के माध्यम से नमूनों की जांच जल्द और बेहद सटीक तरीके से होती है। इसके अलावा जो दो प्रमुख टेस्ट हैं जैसे डी डाइमर कोगुलेशन पैरामीटर के लिए APTT ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं कोविड पेशेंट के लिए। लैब के हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखते हैं। जहां एक और डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे अपने काम में लगी हुई है, वहीं उनकी मदद के लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग भी उसी तत्परता से लगे हुए हैं। ये है एम्स पटना की रेडियोलॉजी, जहां के टेक्नीशियंस हर तरह से अपने साथी डॉक्टर्स की मदद कर रहे ताकि कोविड को हराया जा सके। कोविड में सीने का एक्सरे या CT स्कैन अहम है। इससे डॉक्टर्स को जानकारी मिल जाती है कि रोगी के फेफड़े के किन हिस्सों में समस्या है। हम लोग सारे एक्सरे मरीजों का एक्सरे पोर्टेबल एक्सरे कर रहे हैं जो कि बेड साइड हो रहा है। दूसरा होता है हमारे यहाँ CT स्कैन, जिसमें कि कोई भी लीजन काफ़ी करेक्टरिस्टिक रूप में उसके लंग में ग्राउंड ग्लास ओपिसिटी के रूप में पेरीफेरी में पेरीफेरल ऑफ द लंग पेरेन्काइमा में दिखता है और किसी भी जोन में होता है, उससे हम लोग उसकी सीवियरिटी को भी डायग्नोज करते हैं। एम्स पटना में ऑपरेशन थिएटर्स को भी कोरोना के कारण बदलाव से गुजरना पड़ा है। कोविड OT जो है वो नॉर्मल OT से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे सारा फ्लो जो OT का रहता है वो निगेटिव प्रेशर बनाना रहता है। आपको भी संक्रमण होने का बहुत चांसेस रहते हैं क्योंकि एनेस्थीसिया में खास कर जब मुंह ट्यूब डाला जाता है तो एयर गैस आती है तो उससे संक्रमण, उसके लिए सारे प्रोटोकॉल हमने बनाए हैं। कुछ बुनियादी बदलाव के साथ अब ये OT तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए। एक कंटिन्यूस 24 आवर्स एनेस्थीसिया की टीम और सर्जन एंड गायनेकोलॉजिस्ट की टीम इस चीज़ के लिए हमने चूज़ किया और वो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स मैन किया उन्होंने इस हॉस्पिटल को और जितनी भी इमरजेंसीज आई इस दौरान
जो कोविड पॉजिटिव थी, हमने उनका पूरा इलाज किया अपने को सुरक्षित करते हुए पीपीई पहन के और सारी सर्जरीज की। कोविड की बीमारी किसी से किसी को भी हो सकती है, माँ से होने वाले बच्चे को भी। स्त्री स्वास्थ्य की देखभाल के साथ साथ मातृत्व को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एम्स पटना ने विशेष सुविधा मुहैया कर रखी है। यहाँ जांच से लेकर ऑपरेशन और उसके बाद की तमाम चिकित्सीय सुविधाएं विशेष तौर पर मौजूद हैं और डॉक्टर्स 24 घंटे मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। जांच वार्ड में हो सके इसके लिए आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा। डिपार्टमेंट में कोविड पॉजिटिव महिलाओं के एंटीनेटल चेकअप्स, अल्ट्रासाउंड, सीटीजी, डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन की व्यवस्था है। इसके अलावा डिपार्टमेंट सभी तरह के इमरजेंसी गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन करने में पूर्ण रूप से सक्षम है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। इस समय हम कोविड एरिया में हैं और यह क्षेत्र वार्ड और आईसीयू का है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ सभी पीपी पहने हुए हैं। यह है एम्स पटना का पीडियाट्रिक आईसीयू। यहाँ कोरोना वायरस से ग्रसित गंभीर बच्चों को रखा गया है। इसमें नवजात बच्चे भी शामिल हैं। इन्हें मशीनों के माध्यम से स्टेबल रखने की कोशिश हो रही। यहाँ पर इनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही और हर क्षण की रिपोर्ट तैयार की जा रही। ये यूनिट हमने पूरी तरह से कोविड से सफ़र कर रहे बच्चों के लिए डेडिकेट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ पेशेंट्स जो वेंटिलेटर पे जाते हैं, जो बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। जो स्टेबल बच्चे हैं उनको हम पीडियाट्रिक वार्ड में, उसमें हम उनका इलाज करते हैं। हमारे यहाँ लगभग 22 न्यूबॉर्न्स अभी तक आ चुके हैं जिनकी माताएं कोविड से सफ़र कर रही थी। पीडियाट्रिक के वार्ड में एम्स पटना ने खास व्यवस्था की है, वो ये कि बच्चों के साथ उनके माता पिता जो कोविड पॉजिटिव हैं, उनमें से कोई भी बच्चे के साथ ही रहता है। इससे बच्चा अकेला नहीं महसूस करता। इसके साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए एक खेल कक्ष की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें वो खिलौनों के साथ खेलते हैं। ज़्यादातर जितने बच्चे आ रहे हैं उनको कोविड के अलावा कुछ न कुछ और दूसरी तकलीफ होती है, जिससे कि मान लीजिए रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो ऐसे बच्चों को भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। कोविड 19 के समय किडनी की बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए डायलिसिस की व्यवस्था भी की गई। एम्स पटना में कोविड के रोगियों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जा रहा। इसमें यहाँ का ब्लड बैंक एक बहुत बड़ी भूमिका में है। इस कोविड टाइम्स में एक सबसे बड़ा टर्म आया है कॉन्वर्लेसेंट प्लाज्मा। उसके कलेक्शन के लिए हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं एफेरेसिस प्लाज्मा कलेक्शन। एडिशनली हम उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बाद, फिर हम उनसे प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं। इस प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है जो कोविड से लड़ने में कारगर है। प्लाज्मा डोनेशन के लिए यहाँ के दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है। प्लाज्मा डोनेशंस के लिए आपको कुछ बिल्कुल बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि आपकी जो एज है 18 टू 65 ईयर्स होनी चाहिए। बेबी जिनके हो रखे हैं या प्रेगनेंसी जिन्होंने कर रखा है, वो ऐसे फीमेल जो है प्लाज्मा नहीं डोनेट कर सकते। कोविड ने जहां एक ओर स्वास्थ्य समस्या को बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी ओर इसके फैलाव को रोकने के लिए सरकारों ने बड़े स्तर पर लॉकडाउन लगा रखे हैं। ऐसी हालत में आपूर्ति और मांग का तालमेल बना रखना एक अहम चुनौती है और एम्स पटना ने इस चुनौती का सामना खुलकर किया। एक अच्छा प्रबंधन और सोची समझी रणनीति ने इस समस्या से काफी हद तक बचाव किया। प्रेडिक्शन बड़ा जरूरी है, तो 1 वीक फॉरवर्ड प्रेडिक्शन हम लोग हमेशा करते रहे। हम खुशकिस्मत थे कि ज़्यादातर जो सामान हमको कोविड के इलाज के लिए चाहिए थे वो हमारे रेट कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही से उपलब्ध थे, और HLL के थ्रू और ICMR के थ्रू उन्होंने हमको टेस्ट किट और PP और N95 मास्क सेंट्रली उपलब्ध करवाए। दवाइयों का समुचित भंडारण, मांग के अनुसार और आने वाले समय को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी उपकरण PPE आदि का भंडारण करना इस प्रबंधन की महत्वपूर्ण कड़ी रही और इसमें एम्स पटना सफल रहा। कहते हैं किसी भी बीमारी में जितना महत्व दवा का होता है, उतना ही भोजन का भी होता है। कोरोना वायरस से हो रही बीमारी कोविड और इसके लक्षण इतने बदल रहे
कि उस अवस्था में खान पान कैसा हो, इसको चुनना और तय करना भी किसी चुनौती से कम नहीं। कोविड में हम जो पेशेंट को देते हैं नॉर्मल डाइट, अगर नॉर्मल डाइट पेशेंट है तो उनको हम कैलोरी तो बढ़ाते हैं, साथ साथ में कैलोरी से प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा रहता है, प्रोटीन रिच डाइट देते हैं इसमें हम। यहाँ की रसोई में मरीजों का खाना बड़े ही एहतियात से और दिशा निर्देशों के अनुरूप ही बनता है। संबंधित अधिकारी बन रहे खाने की गुणवत्ता पर हमेशा ध्यान रखते हैं। इलाज में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हो या कोई भी सामान, उसे पूरी तरह से कीटाणु रहित करने के लिए उन्नत मशीनों के द्वारा कीटाणु मुक्त किया जाता है, तब उसकी पैकिंग होती है। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी टीम को ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के मरीज के अलावा कोविड के मरीज को भी देखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के ईडी में रेड और येलो एरिया को ट्रॉमा के मरीज के लिए डेडिकेटेड रखा और ग्रीन एरिया में फ्लू क्लिनिक एस्टेब्लिश करके जो भी कोविड कोरोना से संक्रमित व्यक्ति आते थे उन्हें कोरोना वार्ड में भर्ती करते थे। हर कदम पर सुरक्षा मानकों का उच्च स्तर का ध्यान रखना ही एकमात्र तरीका है जिससे हम कोरोना वायरस के प्रकोप को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये कचरा या वेस्ट खुद में इतना सक्षम है कि कई लोगों को बीमार कर सकता है। इसके लिए वेस्ट मैनेजमेंट टीम के कर्मचारी तत्पर रूप से काम पर तैनात हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमारा 4 कलर है। ये बॉक्सेस पीले, नीले, लाल और सफेद रंग के हैं। ये निर्धारण सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस के अनुसार है। इन बायोमेडिकल वेस्ट्स को बहुत सावधानी पूर्वक बाहर लाकर इनके नियत स्थान बायोमेडिकल सेग्रीगेशन पॉइंट पर बैग्स के रंग के हिसाब से रखा जाता है, जहां से फिर ये उठाए जाते और संस्थान से बाहर ले जाए जाते हैं। इसके अलावा शार्प ब्लास्टर मशीन के द्वारा पंक्चर प्रूफ कंटेनर ट्रीट किया जाता है ताकि शार्प वेस्ट्स गल जाए और उनसे होने वाला खतरा भी ना के बराबर रहे। इसके साथ ही पूरे कोविड एरिया को विशेष रूप से सैनिटाइज करने की जरूरत होती है। ये कार्य स्वच्छता निरीक्षकों के माध्यम से पूरा किया जाता है। मेटल की सतहों के लिए 70% अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता और फ्रीक्वेंटली टच सरफेस जैसे बेल्स, स्विचेस को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से खास तौर पर साफ करते हैं। अगर कोविड को हराना है तो सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। एम्स पटना सिर्फ कोविड महामारी में मरीजों का इलाज ही नहीं कर रहा, इसके अलावा यहाँ हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और अन्य संस्थानों के लिए कार्यशालाएं भी चलाई जा रही ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कोविड के खिलाफ जंग छेड़ सकें और कोविड के मरीजों का इलाज कर सकें। अब हमें काफ़ी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम पूरे बिहार के बाकी लोगों के लिए चला रहे हैं, बाकी जो मेडिकल कॉलेज हैं और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए हम लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं। अभी जैसे हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 500 बेड का हॉस्पिटल बेहटा में आ रहा है, DRDO की तरफ से बनाया जा रहा है, उसके भी सारे डॉक्टर्स का भी हम कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है। मुजफ्फरपुर में भी शायद 500 बेड का एक हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर्स का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग प्रोटोकॉल शेयर करते हैं, जो हमने अपने यहाँ किया है उसको किस तरह से हम दूसरी जगह पर भी उसको अपना सकें, ये सारे प्रोग्राम्स हमारे इसके तहत चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर यहाँ से डॉक्टर्स की टीम दूसरे जिले में जाकर वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दे रही कि कैसे कोविड के मरीजों का इलाज किया जाए, चाहे वो मुजफ्फरपुर में बन रहा कोविड अस्पताल हो या फिर बेहटा में। हर जगह एम्स पटना अपनी भूमिका अग्रणी हो निभा रहा। एम्स पटना जो है वो उसको 3 कार्य मेन रूप से दिए जाते हैं, 1 मरीजों का इलाज करना, दूसरा शिक्षा देना छात्रों को, तीसरा है रिसर्च का काम। तो रिसर्च में बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं और एम्स पटना में क्योंकि कोविड हॉस्पिटल था तो बहुत सारे रिसर्च के हम यहाँ पर ट्रायल कर रहे हैं, जिसमें कि एक वैक्सीन का ट्रायल भी है, उसके अलावा बहुत सारी दवाओं के हम ट्रायल कर रहे हैं, जैसे आइवरमेक्टिन डिजीज़ के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी हमने अपना रिसर्च किया है कि कैसे मरीजों को पहुँचता है और कैसे बचते हैं। राज्य सरकार के साथ और अन्य संस्थानों के साथ आपसी समन्वय बनाते हुए काम करना एक चुनौती थी,
अस्पताल के बाहर सरकारी महकमे के साथ कदम ताल करना आसान न था, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की मंशा ने इसे भी आसान कर दिया। चुनौती थी कि समन्वय की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता था, तो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करना था, तो ये सारी चुनौती हमें ऑनलाइन करने पड़ते थे, तो ये एक चुनौती थी। तो हमने एक रेफरल पॉलिसी बनाई, हमने सरकार से अनुरोध किया कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट जिलों में जो सरकारी अस्पताल हैं, चाहे PHC हो, चाहे CHC हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, उसमें कुछ मूलभूत सुविधाएं दें। मुश्किलें थीं, लेकिन उनसे निकलने का हुनर भी हम सीख रहे। ट्रायल के शुरुआती नतीजे बेहद आशावादी हैं। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फर्स्ट फेज में टोटल 375 लोगों को करना था, सारे सेंटर को मिला के, जिसमें से हम लोगों ने 46 लोगों को किया और बाकी सेंटर को मिला के 375 लोगों को फर्स्ट फेज में स्टडी की गई। और सेकंड फेज ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। हमने अभी तक एम्स पटना को 50 लोगों को वैक्सीन देना था, जिसमें से हमने 35 को ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं और करीब 25 लोग और भी स्क्रीन किया है, उसमें से हमें लगता है कि 15 लोग मिल जाएंगे और हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो फिर थर्ड फेज में जाएगा, अगर सब ठीक रहा तो देन ये लाइसेंस होगी आम पब्लिक को यूज के लिए। और हम आशा करते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी दुनिया के लिए, समूची मानवता के लिए कोविड का टीका विकसित कर लेंगे। पूरे भारत में चल रहे कोरोना वैक्सीन के टीके की ट्रायल की फहरिस्त में एम्स पटना का भी नाम शामिल है और ये गौरव की बात है। एम्स पटना का चुना जाना किसी वैक्सीन ट्रायल के लिए अपने आप में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी, पूरे एम्स पटना के लिए बड़ी खुशी की बात थी और गौरव की बात भी थी कि जो जो ये वैक्सीन जो हम ICMR के कोलैबोरेशन से बना का ट्रायल हो रहा है, उसमें जो है करीब 12 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किए गए थे, उसमें एम्स पटना एक इंस्टीट्यूट था। कोविड एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए उसका रोगी चाहे वो जीवित हो या मृत, दोनों ही संक्रमण को फैला सकते हैं। जीवित रोगियों का तो इलाज चल रहा, लेकिन जो इस बीमारी से नहीं लड़ सके और चल बसे, वो भी किसी खतरे से कम नहीं। COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट अगर डेथ हो जाती है या सस्पेक्टेड COVID-19 इन्फेक्शन से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका डिस्पोजल किस तरीके से करना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइंस है, उसके तहत ICMR के भी गाइडलाइंस है कि उसको किस तरीके से पैक करना है और डिस्पोज करता है। मृत शरीर से वायरस हवा में न आ सके, इसके लिए बेहद सावधानी से शरीर को रखना पड़ता है और उसके लाने ले जाने में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके लिए एम्स पटना के फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट और एनाटॉमी डिपार्टमेंट ने शानदार काम किया है। वो हमें खबर भेजते हैं और इसके बाद हमारे यहाँ से टीम एक्टिव होती है और इस मृत शरीर को प्रिजर्व करने की सारी प्रक्रियाएं शुरू की जाती। तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पूरी तत्परता से ये अपने काम में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोविड की बीमारी स्वास्थ्य कर्मियों को नहीं होती। एम्स पटना के कई स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ इस बीमारी से ग्रसित हुए। 16 अगस्त को मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। मैं बहुत घबरा गई थी। यूं कहिए कि जब से हम लोग कोविड ड्यूटीज कर रहे थे, तब से एक मन में डर तो था कि कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। सिर्फ कोविड एरिया में काम नहीं कर रही थी, साथ में अपना OPD ड्यूटीज भी कर रही थी, कैंसर पेशेंट्स भी देख रही थी। काफ़ी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, उनको संक्रमण का ज़्यादा चांसेस होता है, तो एक्सपोजर तो था ही। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, हमें बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया और कॉन्फिडेंस दिया कि अगर हमें कभी भी कोविड पॉजिटिव होती है तो हम अच्छे से इसको जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। समुचित इलाज और देखभाल से आज वो ठीक है और अपना काम बखूबी से अंजाम दे रहे। जब कोविड हुआ तो शारीरिक अनुभव ऐसा रहा कि सांस में बहुत दिक्कत रही। जिस दिन मैंने सैंपल दिया उस दिन भी मेरी नाइट ड्यूटी थी, अलग नो डाउट, पर उसके बाद में मुझे दिक्कत सांस में ज़्यादा रही। हॉस्पिटल में मुझे अच्छी केयर मिली। ऐसी कई कहानियां हैं जो हार ना मानने के लिए मजबूर करती है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। एम्स पटना की सेवा भावना को देखते हुए बिहार सरकार ने एम्स पटना को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सम्मान से सम्मानित किया। हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात थी, गौरव की भी बात थी और सबसे बड़ी बात है कि हमने जो भी किया पिछले 5 महीने में,
उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि शायद हमारा इसका रिकग्नाइज किया गया, इसको सराहा गया, इसीलिए शायद हमें ये इस सम्मान से, ये सम्मान हमको दिया गया, हमारे इंस्टीट्यूट को दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी। बहुत सारे मरीज ठीक होकर के जा रहे हैं और काफ़ी खुश होकर के जा रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे अच्छी इनकरेजिंग बात है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम इस बैटल को, इस वॉर को, इस युद्ध को जीत ना लें। वी विल विन। कोई परेशानी हमको नहीं, अभी अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और एम्स का जहाँ तक इंतजाम बात है, मैं तो कहूँ कि शायद मुश्किल है, दिल्ली भी इतना अच्छा है, इंतजाम शायद नहीं। ये गौरव का क्षण है, ये हमारी समर्पित साधना का नतीजा है। एम्स पटना इस निराशा से भरे समय में आशा के दीपक की तरह अपनी रोशनी सभी दिशाओं में फैला रहा। कहते हैं हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाती है, इस कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, दुनिया और मानवता को नए नजरिए से देखने को प्रेरित किया है, हमें हमारी नई सीमाओं से पहचान कराई, एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के महत्व को समझाया है। हम खुश होते हैं जब कोई हमारे पास से ठीक होकर जाता है, हमारे हाथ हिलते हैं उसे विदा देते हुए, हम इन मास्कों के पीछे से मुस्कुराते हैं, हम जब जीतते हैं तो एक दूसरे को जीत का इशारा करते हैं, थोड़े थके हैं हम पर रुके नहीं, अंधेरा है मगर इन रोशन आंखों की रोशनी और एक दूसरे को थामे ये हाथ निकाल लाएंगे हम सभी को इस कोविड के अंधेरे से, फिर से रोशनी बढ़ेगी और चेहरे खिलेंगे। तुम अभी घर पर रहना, हम हैं ना तुम्हारे लिए। एम्स पटना।